नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे हैं खेती खजाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जिन्सों के भाव आपको बताने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में काफ़ी तेज़ी है। गेहूं की आवक 11,000 बोरी हुई है, 1728 से 2320 तक बिका है। अच्छा क्वालिटी का 1765 से 1785 गया, और स्पेशल लोकवन 2150 से 2250 तक बिक गया है। वहीं पर अगर एवरेज लोकवन की बात करते हैं हम, तो 1900 से 1935 तक बिका है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मक्का का जो आज भाव रहा है, 1441 से 1535 तक बिका है। सफ़ेद 1500 से 1550, बढ़िया पीली मक्का 1505 से 1520 तक बिका है। वहीं पर अगर हम सफ़ेद मक्का की बात करें, तो 1500 से 1550 इसका एवरेज भाव रहा है आज के दिन। जैसा कि सभी को पता है कि मंडी काफ़ी दिनों से बंद थी, नीमच मंडी, तो आपके भी अच्छी हुई है और भाव में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। जो की बात करते हैं, तो 300 बोरी की आवक हुई है, 1750 से 1901 तक बिका है। नया बढ़िया 1865 से 1880 तक। और जो डंकी माल है, जो थोड़ा मीडियम माल था, वो 1750 से 1775 तक बिक गया है। दोस्तों, अगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि आवकें जो रही हैं, आवकों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही साथ में जो भाव है, भाव में काफ़ी उछाल हुआ है। अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं, तो सोयाबीन में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। 13,500 बोरी की आवक हुई है, 5,400 से 7,000 तक बिक गया है। रिकॉर्ड तेज़ी है सोयाबीन की। बढ़िया जो पीली सोयाबीन है, वो 7,000 से 7,050 तक बिक गया है। और एवरेज माल 6,750 से 6,800 रहा है। वहीं पर जो चालू माल है, वो 6,000 से 6,100 तक बिक गया है। दोस्तों, आपको पता है कि सोयाबीन ने काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, काफ़ी तेज़ी पकड़ी है मार्केट ने। और कलौंजी में भी काफ़ी तेज़ी हुई है, 1250 बोरी की आवक रही है, 14,500 से 21,200 तक बिक गया है। वहीं प्रीमियम 20,600 से 20,800 और बढ़िया 20,300 से 20,400 तक बिका है। और जो एवरेज क्वालिटी का माल है, वो 18,500 से 18,700 तक बिक गया है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप मंडी भाव, सरकारी योजनाएं और जो ग्रामीण उद्योग हैं, उसके भी बहुत सारे वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर चैनल पेज पर देख सकते हैं। मेथी के भाव की अगर बात करते हैं, तो 1750 बोरी आवक हुई है और 4,950 से 6,550 तक बिका है। बढ़िया पीला 6,050 से 6,100 और एवरेज 5,900 से 5,950 रहा है। वहीं पर अगर मेथा की बात करते हैं, तो मेथा के जो भाव हैं, 6,900 से 7,000 तक का बिक गया है। दोस्तों, किसानों के लिए एक ब्लॉग भी हमने बना रखा है, खेतीखजाना.in। इस वेबसाइट, इस लिंक पर जाकर भी आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इसबगोल की अगर बात करें, तो 650 बोरी की आवक हुई है, 8,350 से 10,200 तक नया बिका है। बढ़िया पैकेट माल 9,900 से 10,000 तक बिक गया है। और एवरेज भाव, एवरेज क्वालिटी के माल का जो भाव रहा है, वो 9,000 से 9,100 तक बिका है। दोस्तों, अगर हम चने की बात करते हैं, तो जो डॉलर चना है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। और इसमें आपको जो भाव हैं डॉलर चना के, वो 7,200 से 9,400 तक बिक गया है। और बढ़िया माल जो है, वो 9,000 से 9,200 तक गया है। एवरेज क्वालिटी का जो माल था, वो 7,800 से 7,900 तक बिक गया है। मतलब दोस्तों, आपको पता है कि जो चने की मांग है, वो आगे बढ़ने वाली है। और भाव में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, 9,000 पार कर चुका है डॉलर चना। और बाकी जो देसी चना है, विशाल चना है, वो भी 7,000 क्रॉस ज़रूर करेगा। मूँगफली की अगर बात करते हैं, तो 4,000 बोरी की आवक हुई है, 4,150 से 6,690 तक G2 बिक गया है। और स्पेशल सिंग दाना क्वालिटी 6,500 से 6,600 तक बिका है। एवरेज की अगर बात करते हैं, एवरेज माल की क्वालिटी की, तो 5,700 से 5,800 तक बिक गया है। और जो चालू माल है, वो 4,200 से 4,500 तक बिका है। दोस्तों, मूँगफली की जो, जैसा कि बता रहे हैं, मार्केट अभी काफ़ी अच्छा है मूँगफली का भी। और लहसुन की अगर बात करते हैं, तो लहसुन में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, और 2,200 से 13,300 तक ऊटी बिका है। 17,000 बोरी की आवक हुई थी और 18,200 में बॉक्स का माल बिक गया है।
देसी लहसुन के जो भाव हैं 1400 से 8100 तक बिक गए हैं और स्पेशल एक्स्ट्रा जो फुल गोला है वो 7900 से 8100 तक बिक गया है। जो फुल गोला माल है वो 5900 से 6100 तक बिका है। और अगर वहीं ऊटी की अगर बात करते हैं तो जो ऊटी लहसुन के स्पेशल भाव हैं वो 9000 से 10000, फुल गोला के 8000 से 8200, मोटा स्पेशल 7000 से 7200, बेस्ट लड्डू माल 53 से 55 और बेस्ट मीडियम माल 4000 से 4300 तक बिक गया। दोस्तों ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं ये नीमच मंडी के भाव हम आपको बता रहे हैं। नीमच मंडी की जो तेजी मंडी की रिपोर्ट्स है वो आपको इस चैनल पर रोज़ाना मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अलसी की, तो 1500 बोरी की आवक हुई है, 6580 से 7700 तक बिक गया है। बढ़िया माल 7450 से 7550 तक बिका है, एवरेज 7350 से 7400 तक गया है। दोस्तों अलसी में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, जब ये मार्केट बंद थे, मंडी बंद थी उससे पहले और अभी में लगभग 200 से 300 रुपये का फ़र्क देखने को मिला है। तो अलसी के जो भाव हैं वो आज 6580 से 7700 तक रहे हैं। धनिया की अगर बात करते हैं तो 800 बोरी की आवक हुई है, 5600 से 7000 तक बिक गया है। बढ़िया सूखा माल 6300 से 6400 और एवरेज माल 6050 से 6150 तक बिका है। अगर ग्रीन स्पेशल की बात करें तो 8000 से 8100 तक बिक गया है और एवरेज क्वालिटी का जो धनिया है वो 7400 से 7600 तक बिका है। दोस्तों धनिया की जो मांग है, आगे जाकर धनिया में कम रेट होना अभी तक तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि रेट्स अभी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिमांड्स बढ़ने वाली हैं। पोस्ता की अगर बात करें तो पोस्ता में भी 95500 से 137 तक गया है और तीनों पाले 51 तक चला गया है और गुलाब 128 से 129, रनिंग माल जो था 122 से 124 रहा है। वहीं पोस्ता का भविष्य भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों और इस बार उत्पादन भी उतना नहीं हो पाया है, साथ ही उत्पादन के साथ साथ क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है इस बार। रायडे की अगर बात करते हैं तो रायडे में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, अभी 5300 से 5800 और 6000 पार भी ये कर जाएगा। बढ़िया किराना माल अभी 5850 तक बिका है और एवरेज 5625 से 5675 रहा है इसका। तो दोस्तों ये थे आज के नीमच मंडी के भाव। इसी तरह से रोज़ाना हम आपके लिए मंडी भाव मंडी अपडेट्स लेकर आएंगे। रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।